गुब्बारा, माँ हमें मनोरंजन पार्क में ले जा रही है। देखो तुम कितने खुश हो। माँ देखो, इसे कोई नहीं पता। माँ के पास एक रास्ता है, देखना, बस इसे हमारी कार में रख दो। गुब्बारा, कृपया यहाँ हमारा इंतजार करें। अलविदा। माँ, मेरा गुब्बारा खो गया है। शायद तेज हवा से उड़ गया होगा, इसे कोई नहीं पता। माँ तुम्हारे लिए बाद में एक और खरीद लेंगी। ओ अच्छा। यंगियन, जल्दी करो और कार में बैठो। यहाँ माँ आती है। तुम्हें गुब्बारा कहाँ से मिला? माँ, मैंने इसे उठाया। बच्चों को ईमानदार होना चाहिए, झूठ नहीं बोल सकते। माँ मुझे क्षमा करें, ये मुझे उस कार से मिला। खैर, यंगियन वास्तव में एक ईमानदार बच्चा है, लेकिन आपका ऐसा करना गलत है। अगर आपकी चीजें दूसरे लोग ले लेते हैं, तुम्हारा क्या होगा? तब तो मैं अवश्य ही अप्रसन्न हो जाऊंगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? माँ मुझे पता है, मैं इसे वहीं वापस रख दूंगा जहाँ से यह आया है। खैर ये सही है। माँ चलो तुम्हें एक नया खरीदने ले चलते हैं। बच्चे खाने के लिए तैयार हैं। माँ मुझे दूध पीना है। खाने के बाद ही पिए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि वह मुझे खाना खाते हुए देखे। क्यों? पहले इसे छोड़ो, पेट भर जाने पर ही पिए। ठीक है। माँ, मिल्क ने कहा कि वह मुझे नहीं देख सकती। मैंने उसके लिए दो आंखें बनाई। इतनी चालाकी मत करो, जल्दी खाओ। माँ मुझे प्यास लगी है। जब तुम्हें प्यास लगे तो जाकर पानी पी लो। इस आइसक्रीम को पीने से आपको प्यास नहीं लगेगी। मैं तो बस एक घूंट ही पीता हूँ। जल्दी खाओ। ये खाओगी तो माँ नाराज हो जाएंगी। थोड़ा होगा, कम खाओ। मेरा गला बहुत दर्द करता है। यंगियन, आपने इनमें से कोई भी चिकन विंग्स नहीं खाया। आ कहाँ है भाई? देखो। माँ मैं उग गया हूँ, मुझे काम के लिए जाना है। यह चावल बहुत सख्त है, मैं निगल नहीं सकता। अब यह बहुत अधिक आरामदायक महसूस होता है। ठीक है, अब और मत पीना, जल्दी खाओ। नहीं, यह मेरा है। बॉस, क्या ये फूल सस्ते हो सकते हैं? जाओ जाओ जाओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फूल न खरीदें। दादा उदास मत हो, तुम लोग पहले घर जाओ, मैं इसका पता लगा लूंगा। ठीक है। दादाजी का उच्चारण कैसे करते हैं? यह मैं नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए? यंगियन में क्या गलत है? माँ मैं इनमें से कोई भी अंग्रेजी प्रश्न नहीं जानता। दादाजी भी नहीं समझते। दादाजी जल्दी नीचे आओ। दादाजी देखो, यह वह क्रिस्टल फूल है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वाह बहुत सुंदर। सी सी जी जी। दादाजी चलो जल्दी चलते हैं। अच्छा बुढ़िया, आज हमारी 30वीं शादी की सालगिरह है। इन 30 वर्षों तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। हालांकि हम गरीब हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्या अगले जन्म में भी तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। मैं करता हूँ। हाँ भाई, मुझे आइसक्रीम खानी है। ठीक है। सबसे सस्ते की कीमत 8 युआन है। इतना महंगा, बेहतर होगा कि हम इसे न खाएं। ओह अच्छा। दादाजी क्या आप ठीक हैं? दादाजी आराम करो, हम आपके लिए चीजें चुनते हैं। दादाजी आपका दूध। धन्यवाद बच्चे, यह आपके लिए है। धन्यवाद दादाजी। आइसक्रीम पाउडर डालें, फल डालें। तीन घंटे तक प्रशीतित करने के बाद बहन कोशिश करो। वाह स्वादिष्ट। माँ मैंने जो आइसक्रीम बनाई है उसे देखो। मुझे अचानक आइसक्रीम बनाने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि मेरी बहन आइसक्रीम खाना चाहती है, मैंने इसे उसके लिए बनाया है। वाह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। माँ क्या आपको धनिया खाना सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। क्या इसे खाया जा सकता है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मिठाई नहीं खा सकते। फक फक करना। मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है और मैं फिर से अपने फोन से खेल रहा हूँ। हम जो कुछ भी करते हैं वह गलत क्यों होता है? माँ जो भी करती है सही करती है। मैं जानता हूँ कि दिन भर कैसे परेशान करना है। मुझे माँ से नफरत है। जीजी, यंगियन, तुम्हें क्या हो गया है? आप कौन हैं?
मैं एक जादूगरनी हूँ जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। बहुत अच्छा, मेरी इच्छा है कि मुझे माँ नहीं चाहिए, मैं उससे नफरत करता हूँ। मैं भी। अच्छा हाँ, माँ गायब है। हाँ दांतों में सड़न। माँ मेरा दांत गिर गया। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पता चला कि अब मेरी माँ नहीं है। क्या आप यही नहीं चाहते? बड़ा भाई क्या हम बेहतर होंगे? माँ वापस आ जाएगी। सबसे निश्चित रूप से। माँ मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। भाई तुम्हारी माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? माँ तुम क्या कर रहे हो? माँ चलो पहले लालटेन लटका दें। ठीक है। माँ आप जो खाना बनाती हैं वह बहुत स्वादिष्ट है। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, जल्दी से मुझे मेरी माँ दे दो। माँ माँ यह एक सपना निकला। माँ क्या आप मेरे लिए एक नई टेबल खरीद सकते हैं? फक करना। बड़ा भाई अपने कौशल के साथ आप अभी एक आविष्कार बना सकते हैं। मैं आपको यथाशीघ्र हार मानने की सलाह देता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा, यहाँ से चले जाओ। आह माँ आपको साइकिल कहाँ से मिली? ये खास तौर पर आपके लिए तैयार किया गया है, आओ और इसे आजमाओ। माँ मेरे भाई अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, खेलने के लिए बाहर जा गया। ये बहुत हुआ, चलो उसका पता लगाएं। माँ भाई तो है। अच्छा दादा इसे ठीक करना बंद करो, मैंने आपके लिए एक नया बनाया है। अच्छा दादाजी मैं आपकी पीठ थपथपाऊंगा। दादा मैं भी आपकी पीठ थपथपाने के लिए यहाँ आया हूँ। अपने बिल्ली को यूनियन करना बहुत शर्मनाक है, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। बहन उदास मत हो, मैं एक पिल्ला बनाऊंगा जिस पर तुम सवारी कर सको। मुझे विश्वास नहीं है कि आप ये कर सकते हैं। बस इंतजार करो और देखो। बहन चलो। भाई क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे उल्लू मत बनाओ। वह पक्का है, तुम एक तरफ जाओ और पहले खेलो। खैर तुम्हें जल्दी करनी होगी। जिंगविन क्या संयोग है? तो फिर चलिए पहले चलते हैं। जीजी यिंगयिन देखो ये क्या है? वाह यह मेरा पसंदीदा संतरा है। चलो अपने भाई को साथ में खाना खाने के लिए बुलाते हैं। इम जीजी आप फिर किस तरह का विनाश कर रहे हैं? मेरे पास यह नहीं है। माँ देखो यह पिल्ला गाड़ी है जिसे मैंने अपनी बहन के लिए बनाया है। बहुत खूब जी जी सच्ची छड़ी, मुझे खेद है कि मेरी माँ ने अभी आपको गलत तरीके से दोषी ठहराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो साथ मिलकर खेलते हैं। अच्छा